ऐसी कौन सी चीज है जिसे लड़के खाते भी है और पहनते भी है? गुड क्वेश्चन। कंडम। जूते। क्या बोला तूने? जूते। अब ये देखो यार, दुनिया में बात हो रही होती है कि रूस का रॉकेट चांद पर जा रहा है, और हमारे मुल्क में क्या बात हो रही होती है यार। सुना है कल वो रिक्शे में जा रही थी। अरे मुंह खोला। अच्छा मजा ले। अरे मुंह खोला, मुंह में डाल दी। डाल दी कहा भैया, कहा डाल दो। तो गाइस कैसे हो आप लोग, स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा हर वीडियो हंसाने के लिए बनाया गया है, तो इसे बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। और हाँ, वीडियो को कैसा भी पार्ट अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब चल रही है मुझे आंख मार रही है, तो शॉवर में थी उसी को मुझे टॉवल पास करो एंड कम इनसाइड। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक बोलती नीचे और कुछ बात करने है, नहीं जाऊंगा नीचे। आपका नाम? मनीषा। मनीषा जी, आपको पता है एक शादीशुदा औरत जो होती है वो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, तो वो इतना सचती क्यों है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बजने के लिए या? क्या बोला तूने? हाँ बजने के लिए। बजने के लिए सचती है? हाँ। गोल इन लाइफ आप दोनों में से किसने लिखा हुआ है? मैंने लिखा है। वाना हग माय डैड। यस, ये मेरा बहुत पर्सनल है भाई। जिनके पास सब कुछ है, शौहरत है, दौलत है, सब कुछ है, बट उन लोग बोलते हैं कि आज तक पापा को हग नहीं कर पाया। सुनो कनिष्का, पापा आ गए तुम अंदर जाओ। पापा आ गए तो मैं क्यों अंदर जाऊंगी, मम्मी जाएगी। हेलो। हेलो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुना। हाँ बोलो ना। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। अरे कल ही तुम्हारे पापा ने मुझे प्रपोज किया, मैं तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ। क्या? इन यू लेट अ कॉल, देखो देखो जैसे मेरे रात। बहन डर गई, बहन डर गई। कोई बात नहीं, आप रोइए मत, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। एक व्हाइट कलर का कंडम देना। भैया व्हाइट कलर का कंडम क्यों चाहिए आपको? वो क्या है ना, मेरे पड़ोसन का पति मर गया है, तो अफसोस करने जाना है। अरे बाबा शाबाश, अरे खतरनाक लोग हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो भैया यहाँ पर खड़े हैं, तो भैया आप दीपावली में पटाखा छोड़ेंगे? हाँ भैया छोड़ेंगे। कितना रुपया के? 6,000 रुपया के। कहाँ से लाए पैसा जी? 6,000 पापा के पॉकेट में चुराए हैं। पापा के पॉकेट से चुरा लिया? यस। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा 6,000 में कौन पटाखा लाइए? रशिया से। रशिया से लाइएगा? हाँ। कौन पटाखा? रशियन। रशियन पटाखा लाइएगा जी? हाँ। तो उसको छोड़िएगा कैसे? नो साउंड ओनली चापा चप। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है ना अंधा। शाबाश बेटा। आप जानवरों से प्यार करते हो? फिर मुर्गा खाते हो? मुर्गा खाता हूँ, झूठ नहीं बोले। तो फिर आप जानवरों से कैसे प्यार करते हो, उनको तो खा रहे हो? वो जानवर तो है ना, तो चिड़िया हो गया। साहिल मुझे भी ये करना है। ए, तू है ना, ये वाला मत जला, उधर है ना जमीन चकरी फुलझड़ी सब है, वो सब जला तू। अब तो मैं यही करूंगी। ए जी मंगल भावा नया मंगल।
नाम क्या है? रिंटू। रिंटू, अगर आपकी भाई चांस शादी हो गई तो आप अपनी बीवी में क्या क्वालिटी देखोगे? वो खूबसूरत होनी चाहिए और पैसे वाली होनी चाहिए। यस। अच्छा यस, मान लो भाई चांस अगर आपकी शादी आती है तो अपनी बीवी में कैसी क्वालिटी देखोगे? भाई मेरे माँ बाप का ध्यान रखे और उनको टाइम पे रोटी दे। अच्छा नाम क्या है? कुणाल। कुणाल, मान लो इन फ्यूचर आपकी शादी हो रही है तो मानूंगी वो तो मेरी शादी सच में होगी फ्यूचर में? अरे मेरा मतलब था आप शादी के बाद क्या करोगे? बच्चा करूंगा। अरे यार भाई, मेरा मतलब था अगर जिस लड़की से आपकी शादी होगी उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें पैसा होना चाहिए, उस लड़की का दिल साफ होना चाहिए। भाई देखो, पैसा तो यार बहुत जरूरी है पर दिल साफ के साथ अगर दिल थोड़े बड़े हो। दिल वालों के दिल का करार टूटने हम। जिंदगी में एक ही नियम रखें, हमेशा सीधा बोले। चलत फिरत कोकेन बियर रे कोकेन। आप लोगों को पता है चाय की पत्ती और शादीशुदा आदमी में एक चीज कॉमन है? क्या? दोनों की किस्मत में उबलना और जलना लिखा है। कैसी लग रही हो? बहुत मस्त, बहुत अच्छी लग रही हो। और मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? तुम्हें पता है आज के लिए मैंने हेयर स्टाइल करवाया। अच्छा, तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तुम्हें कौन सा हेयर स्टाइल पसंद है? मुझे तो क्लीन शेप पसंद है। अरे भाई साहब, त्योहार का टाइम चल रहा है और आप अपने लड़के को मार रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसी औलाद होने सच्चा मेरे को औलाद ही ना होती। क्यों, ऐसा क्या कर दिया इसने? इसको मैंने पटाखे के लिए पैसे नहीं दिए तो घर का सिलेंडर उड़ा दिया इसने। अरे वाह, घर का सिलेंडर ही उड़ा दिया। हाँ, तो अब तुम्हें भूख लगेगी तो अपना पेट कैसे भरोगे? मेरा पेट तो भर गया। कैसे? इनकी गालियों से। वैसे करते क्या हो आप? मैं मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हूँ, सुबह बस 3-4 घंटे का काम होता है। ये नहीं, वाओ यार। बाय द वे, आप क्या करते हो? मैं एक्चुअली प्रोफेशनल कंटेंट एक्सप्लोरर हूँ, कभी कभी शेयर का भी देख लेती हूँ। और रील भेजिए जल्दी चेक कर। मतलब सही है यार, इतनी सीरियस में आप काफी कुछ कर रहे हो। बस यार, ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले क्या आ गया? बटर। हाँ जी। ये वेज मोमोज है? हाँ जी। मोमोज तो काफी बड़े हैं मैम आपके, है ना? हाँ जी। कितने पीस आते हैं इसमें? 6 पीस। हाँ जी। ये फिर से बटर आ गया ऊपर से? हाँ जी। ये मसाला आ गया ऊपर से? हाँ जी। अच्छा, ये लाल वाली चटनी है? हाँ जी, लाल वाली चटनी है। बैलून का नाम सुना? बैलून की रियल लाइफ में दो विशेषताएं बतानी है। क्वेश्चन। दो विशेषताएं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक तो बच्चे को रोने से बचाता है, ठीक है, और एक बच्चा होने से। ये बढ़िया था। अच्छा, केला लेगी? सुन, बकवास मत किया कर, जब देखो काम कर रही हूँ ना। बेबी, इस बार दिवाली ना अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। पक्का डन। तुम पटाखे ले आए? बेबी मुझे पटाखे को क्या जरूरत है यार, मेरा पटाखा तो तुम हो। पर मुझे जला नहीं सकते ना। तो बेबी बजा सकता हूँ। क्या हुआ, बैठने जगह नहीं मिल रही क्या? ये भी तो कुर्सी है, तो बैठ जा। तेरा सिस्टम बहुत बढ़िया भाई। ओ अच्छा, जैसे तेरे अब कहीं बारात रात में जाते होंगे, बैठने की जगह ना मिलती होगी उन्हें, तो तेरी कुर्सी पे ही बैठ जाते होंगे, है ना? आई लव यू। मैं ना तुमसे बड़ी हूं। चूहा चाहे जितना ही छोटा क्यों ना हो, वो ये फाड़ी देता है। अच्छा सर, मान लो आपके एक्स की शादी हो गई है, फिर कुछ टाइम बाद उनका मैसेज आ गया, कॉल आता है आपको, वो बोलती है आपसे मिलना है, तो आप क्या करोगे? मैडम मैं तेल लगाऊंगा उसको सरसों का और बदला लूंगा बरसों का। प्यारी समझ गई। तुम लोग का पटाखा? मेरा पटाखा। इन बच्चों के लिए हम पेड़ पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, हा? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएं। तो हेलो गाइस, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और ऐसे ही मीम्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।